गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्लॉगर। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है हमारा जो इंडिया का जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के बारे में। देखेंगे कि ओलंपिक 2020 में जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडलिस्ट जीते थे, तो उनके बीच और फिजिक्स के बीच क्या रिलेशन है। जैसे कि हमारा हर एक स्पोर्ट्स में या हर एक डेली एक्टिविटी में कुछ ना कुछ साइंस जुड़ा रहता है, तो देखेंगे कि उस जेवलिन थ्रो हो, डिस्कस थ्रो हो या शॉटपुट थ्रो हो, उसमें क्या फिजिक्स अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो देखेंगे उनके पीछे जो उनका जेवलिन थ्रो के पीछे क्या फिजिक्स है। ठीक है ना, हाई स्कूल फिजिक्स का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमको ये बताना जरूरी है कि वी आर प्राउड इंडियन, जैसे कि हमको एथलेटिक्स में सबसे पहली बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला हो। उससे पहले अभिनव बिंद्रा को मिला था शूटिंग में। ठीक है, ये एथलेटिक्स में सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा के नाम, इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ ये जो टॉपिक है वो शेयर करो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जो सबसे पहले देखिए, जो जेवलिन थ्रो होते हैं उसका जो मोशन होता है, उस मोशन को बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है वो समझते हैं। पहले देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कोई भी चीज को अगर हम ग्राउंड से थ्रो करते हैं ऊपर, ग्राउंड से एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, तो क्या होता है वो जो मोशन फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल। ये एक पैराबोलिक पाथ लेता है। ठीक है ना, और इसका भी प्रूफ है। ठीक है ना, साइंस में इसका प्रूफ है कि कैसे पैराबोलिक पाथ होता है। ये एलिप्स क्यों नहीं होता है, सर्कुलर क्यों नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, उसका भी एक इक्वेशन है, प्रूफ है, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एक पैराबोलिक पाथ होता है। तो ठीक है, पैराबोलिक पाथ मतलब देखिए, कोई भी एक हम ऑब्जेक्ट को अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो पाथ होगा तो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम पकड़ लेते हैं कि यू। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो जेवलिन थ्रो हो या डिस्कस थ्रो हो या शॉटपुट हो, ठीक है ना, उसमें क्या होता है देखिए, हम ग्राउंड से कुछ एंगल से थ्रो करते हैं। ठीक है ना, कुछ एंगल से हम कुछ वेलोसिटी होता है उसमें, और कुछ एंगल से थ्रो करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, हमको रेंज ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, सबसे दूर हमको जेवलिन हो या हमारा शॉटपुट हो या डिस्कस हो, कब सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम उसको फेंक पाएंगे, वो डिपेंड करता है हमारा कुछ फिजिक्स के ऊपर। ठीक है ना, वो देखेंगे शॉटपुट हो, डिस्कस हो या जेवलिन हो, वो कितना दूर हम मार सकते हैं। ठीक है ना, कितना दूर हम फेंक सकते हैं उसका ऊपर, उसका जो डिपेंडेंसी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी चीज को अगर हम कोई किसी भी एक एंगल में अगर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, जैसे हम कोई भी चीज को अगर फेंक रहे, देखिए इनका जो ये देखिए, ये नीरज चोपड़ा का जो है इसमें देखिए, जो इनका जो हैंड है, हाथ है, और इसका जो शोल्डर है, उनके बीच का जो एंगल है, वो एंगल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये थीटा। ठीक है ना, थीटा मतलब कुछ कोई भी एक एंगल हो सकता है इसमें। ठीक है ना, जैसे हम फेंकते हैं तो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को हम किस एंगल, जो देखिए इनका जो डायग्राम है वो देखिए आप, ये जो साइड में लगा हुआ है इसमें देखिए, इनका जो हाथ का बीच का जो एंगल है, जो वेलोसिटी दे रहे हैं, वो हाथ का वेलोसिटी ये यू वेलोसिटी है। ठीक है ना, ये कुछ यू वेलोसिटी में उसको थ्रो किया जेवलिन को। जब यू डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये जो यू वेलोसिटी में अगर थ्रो किए हैं, ठीक है ना, तो उसको थ्रो करने के लिए अगर टू डायमेंशन, ये जो जितना भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो टू डायमेंशन स्पेस है। ठीक है ना, तो टू डायमेंशन में कोई भी एक एंगल से अगर थ्रो करते हैं, देखिए पहला तो इसको कुछ हाइट मिल रहा है, दूसरा कुछ इसको डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसमें दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है उसका वेलोसिटी जो है। पहला वेलोसिटी जो पहला जो कंपोनेंट होता है वो यू, ये जो यू कॉस थीटा में डिवाइड हो जाता है, और दूसरा ऊपर का जो ये वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा में डिवाइड हो जाता है। देखिए यू यू कॉस थीटा में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आया ये भी देख सकते हैं हम। इसको अगर कोई अगर ट्रायंगल बनाते हैं हम, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया ना, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो आपको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ठीक है, क्या है वो है याद देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरि हरि बोल। तो इसमें कैसे याद रख सकते हो, देखिए ये जो साइन थीटा है, सबसे पहले हमारा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारा साइन थीटा नॉर्मली हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें वैसे ही क्या सिमिलरली कॉस थीटा जो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पहला वर्ड ले लीजिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, फिर हमारा जो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो अगर आपको उल्टा लेना है, जैसे कॉट थीटा लेना है, बेस बाय परपेंडिकुलर, अगर आपको लेना है तो आपका हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो गया, अगर सेक थीटा लेना है आपको हाइपोटेनस बाय बेस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक जो रिलेशन है वो आराम से आप याद कर सकते हैं, अगर कंफ्यूज हो तो वही हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखना ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वही चीज हमको याद यहाँ पे यूज करेंगे, वो कैसे यूज करेंगे, देखिए देखिए ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये हमारा हाइट है, ठीक है ना। तो हमको चाहिए ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो अगर कॉस थीटा यूज करते हैं, देखिए तो कॉस थीटा में क्या लगता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस ये वाला है, ठीक है ना, ये बेस ये है और हाइपोटेनस हमारा यू है, ये वेलोसिटी यू है, तो हमारा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा, मतलब हमारा बेस जो है u cos थीटा, cos थीटा। और सिमिलरली यहाँ पे अगर कंसीडर करोगे तो ये sin थीटा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, u sin थीटा। तो इसको अगर कंसीडर करोगे तो ये वाला वैल्यू जो पार्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमारा u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल एक मैथमेटिक्स है। उसके बाद देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये जो डिस्टेंस हमको चाहिए क्या, देखिए हमको अल्टीमेट क्या है, देखिए अल्टीमेट अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि कितने एंगल में या कितने वेलोसिटी में अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही तो हमको चाहिए। जेवलिन थ्रो में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो लाएगा वही गोल्ड मेडल। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या फिजिक्स है इसमें, क्या साइंस है, वही हम निकालने को कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम नीरज चोपड़ा का देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कितना वेलोसिटी में वो मारे होंगे तभी वो उतना डिस्टेंस जो है कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसका एरिया भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना, कितना एरिया कवर किए होंगे, ठीक है ना। तो वो सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। उसके बाद देखिए तो इसमें अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको अगर निकालना हो तो क्या होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मतलब क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ये हमको सबको पता होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। देखिए इसमें एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है हमारा, यू कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू टाइम, ठीक है। सोच लेते हैं कि हम टाइम टोटल कितना लगा और टी, तो अगर अभी हमको क्या निकालना है, टाइम तो निकालना है क्योंकि टाइम तो नहीं है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट या हाइट जो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो हम जेवलिन थ्रो जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें एक ही जगह पे एक्सीलरेशन की जगह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा और इसमें एक माइनस साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो हाइट जो है, देखिए अगर जिस ग्राउंड से हम थ्रो कर रहे हैं फिर ग्राउंड में आ रहा है तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यू जो है, देखिए यू का जो वैल्यू है जो है वो, देखिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इसमें देखिए कुछ हमारा पार्टिकल कंपोनेंट है, मतलब हमारा यू की जगह पे यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी पकड़ लेते हैं इसको, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर देखिए इसको माइनस साइन को इधर लेके आ जाएंगे तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसको, टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, एक टी कटेगा तो इसमें टी इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए टू यू टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी, ये हो रहा है हमारा टाइम, ठीक है ना। अगर हमको टाइम मिल गया तो हम आराम से इस टी के जगह पे बिठा सकते हैं, तो इस टी के जगह पे अगर टाइम बिठाएंगे, देखिए हम टू यू साइन थीटा बाय जी, मतलब हमारा क्या हो रहा है यू स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला जो हो रहा है हमारा, देखिए ये जो फॉर्मूला हो रहा है, देखिए टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये आ रहा है हमारा फॉर्मूला। तो इसमें क्या, देखिए इसमें थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसको थोड़ा फॉर्मूला में लिख सकता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्या कहता है, यू स्क्वायर बाय जी और साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा जिनको मैथमेटिक्स पढ़े हो, क्या हो गया डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए तो आर, देखिए मैक्सिमम, देखो डिपेंडेंट किस में है, देखिए यू स्क्वायर है, मतलब किस वेलोसिटी आप थ्रो कर, अभी ऐसा नहीं कि एक कमजोर आदमी आएगा वो जेवलिन ऐसे मारेगा और दूसरा पावरफुल आएगा वो जोर से मारेगा, तो ऑफ कोर्स जो जोर से मारेगा वो दूर जाएगा, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है, वो स्क्वायर टाइम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के, ठीक है। और दूसरा देखिए साइन टू थीटा, ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है दोस्तों ये सब के लिए सेम होगा, मैं मारो या वो मारे, कोई और मारे या नीरज चोपड़ा मारे, वो सबके लिए क्या होगा, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। लेकिन लेकिन क्या होगा, तो फिर डिफरेंस किस में आ रहा है,
ये साइन टू थीटा में देखिए, मतलब साइन टू थीटा मतलब थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी आ रहा है, मतलब किस थीटा में मारेंगे तब सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। थीटा का कौन सा एंगल में अगर हम थ्रो करेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए आपको थीटा निकालना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है ना, वो पूरा सीधा ऐसे मार रहा है तो ज्यादा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो घूम फिर के पूरा अपने आप पास ही आ जाएगा। फिर एक बहुत ही पावरफुल एक आदमी है, वो आके मार रहा है, ऐसे मार रहा है, तो ऐसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या, नहीं करेगा। वेलोसिटी आप कितना भी लगा लो और एंगल अगर आप अच्छा से नहीं कर पाए हो तो फिर आपका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये थीटा जो है वो कितना एंगल पे होना होगा कि हमको सबसे ज्यादा डिस्टेंस मिले। तो उसके लिए देखिए साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है, वो होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1। और 1 कब होगा दोस्तों, ये जो वैल्यू जब 90 डिग्री होगा, मतलब 1 मतलब साइन 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री में उसका वैल्यू जो होता है मैक्सिमम होता है, तब हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसका। तो उसका अगर मैक्सिमम होने के लिए देखिए हमारा 2θ = 90 डिग्री होना है और θ = θ = 45 डिग्री, मतलब हमारा जो ये एंगल है जब 45 डिग्री में होगा तभी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे शॉर्ट पुट हो, डिस्कस हो या जेवलिन हो, सभी में सेम फॉर्मूला यूज होता है, सबको बोले जाते हैं कि आप 45 डिग्री एंगल में आपको थ्रो करना है, ठीक है ना, तभी आपको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यश चोपड़ा का जो थ्रो है उसका थोड़ा एनालाइज करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है, देखिए उनका जो हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये डिस्टेंस कितना गया था वो सबको पता गया था। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज, ये 87.58 गया था, ठीक है। और देखिए यू स्क्वायर 5 डिग्री होगा तभी मारेंगे, मैक्सिमम एंगल मैक्सिमम डिस्टेंस गया, तो ये थीटा कितना हो सकता है, 45 डिग्री एंगल हो सकता है। तो ये 45 साइन 45, मतलब ये थीटा अगर 45 होगा, 2 × 45 = 90 है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ये और ये जी जो है वो उसका वैल्यू जो होता है 9.8 m/s², ठीक है ना। तो ये इनका इतना वैल्यू पता है, तो यहां से हमको यू स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 9.8 × 87.58, फिर यहां से यू का भी वैल्यू मिल जाएगा हमको 9.8 × 87.58। देखिए इनका ये जो u है वो वेलोसिटी है, मतलब कितना वेलोसिटी से वो थ्रो किए हैं, ठीक है, कितना वेलोसिटी से वो थ्रो किए होंगे। देखिए उसमें और एक चीज है, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्या, एयर रेजिस्टेंस, जितना भी एयर रेजिस्टेंस है उसको हम नहीं पकड़ रहे, ठीक है ना, उसमें और ज्यादा वेलोसिटी में वो थ्रो किए होंगे तो नेग्लेक्ट करके हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी कैसे निकलेगा, देखिए कितना निकल सकता है इसका, अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इसका जो अगर कैलकुलेशन करेंगे, देखिए हमारा जो वैल्यू आएगा वो अंडर रूट 859.1598 आ रहा है और इसका 29.311 m/s आ रहा है, मतलब देखिए, और इसको अगर किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं तो देखिए 105.52 km/h, ठीक है ना। ये देखिए मतलब 105.52 km/h में थ्रो किए होंगे, उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस जो है नेग्लेक्टेड है, ठीक है ना, लेकिन हमारा रियल लाइफ में तो एयर होता है, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है ना, मतलब मोर देन 105.52 km/h में वो थ्रो किए होंगे, तभी उनका जो रेंज है, तभी उनका रेंज जो है वो 87.58 m आया होगा। तो ये आपको साइंस सीखने का जरूरत नहीं है, ये सब डेरिवेशन जो है वो सब सीखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि आपको मैक्सिमम रेंज ट्रेवल करने के लिए आप एंगल को सही रखिए, क्योंकि वेलोसिटी तो वो आपके पास, आपके बॉडी में जितना एनर्जी है उससे ज्यादा तो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है ना, वेलोसिटी जो है वो तो आप नहीं दे पाओगे, आपका बॉडी में जितना है वही दे पाओगे, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाओगे। जी तो कांस्टेंट है, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप एक ही बात कर सकते हो कि ये साइन 2 थीटा का वैल्यू, जो इसका वैल्यू जिसका एकदम एग्जैक्टली आ जाता है वो उसका डिस्टेंस ही सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सीख लीजिए, आप ध्यान में रख लीजिए, जो इसका वैल्यू जो है वो 45 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो नीरज चोपड़ा जी देखिए ये 105.5 km/h से थ्रो किए होंगे, उससे ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ही होगा, ज्यादा हो सकता है नहीं, इससे ज्यादा ही होगा जिससे वेलोसिटी से वो थ्रो किए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद जो इसमें एरिया का भी है, देखिए हम यहां से हम और एक चीज हम निकाल सकते हैं कि कितना एरिया ट्रेवल किए होंगे, मतलब ये जो एरिया है इसके अंदर कितना एरिया हो सकता है। तो उसके लिए इसका जो इक्वेशन है देखिए वो याद रखना होगा, y = x tan थीटा
ये है हमारा जो इक्वेशन जो है, और ये जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये जो हमको ये जो मोशन है यही एक्सप्रेशन हमको बताता है कि ये मोशन एक पैराबोलिक मोशन है। देखिए ये ए एक्स मतलब इसको टेन थीटा को एक कॉन्स्टेंट पकड़ लो ए एक्स माइनस बी इसको पूरा बी पकड़ लो बी एक्स स्क्वायर, तो ये जो है हमको बोलता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दैट फॉलोस पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। तो इससे हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया मतलब हम इंटीग्रेट कर देते हैं पूरा को, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का यही फायदा है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे हम पूरे को। तो एरिया का निकालना क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये टू डायमेंशनल है तो हमारा क्या हो जाएगा डीएक्स डीवाई, ठीक है ना। तो हम क्या ये एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखिए ये जीरो से मैक्सिमम डिस्टेंस आर तक, तो हम कर सकते हैं कि जीरो टू आर, और वाई को हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा देखिए इसमें एक्स स्क्वायर बाय टू टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब बाय सिक्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी, देखिए ये आ रहा है हमारा टोटल टू आर जीरो टू आर। अगर इसमें लिमिट अगर पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन जो है, जो एरिया जो है, तो एरिया जो है हमारा ये आर बिट जाएगा, बैठ जाएगा यहाँ पे एक्स के जगह पे आर पुट कर देंगे हम, इस एक्स के जगह पे अभी हम आर पुट कर देंगे, और आर का वैल्यू हमको पता है कितना है 87.58 है, तो इसका स्क्वायर बाय टू टेन 45 डिग्री माइनस जी मतलब 9.8 इंटू 87.58 का होल क्यूब बाय सिक्स, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम निकाल दिए, ठीक है ना, इनिशियल वेल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना, cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है, तो इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसका एरिया जो है मीटर स्क्वायर, इसका ये सब अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका जो एरिया जो है नियरली 1277.7 मीटर स्क्वायर निकलेगा। देखिए इतना एरिया कवर किए होंगे जब थ्रो किए हैं तब इतना एरिया मतलब ये जो एरिया है इतना एरिया हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है ना, तो वो अच्छा से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो, ठीक है ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।